अभी तक ज़िले के अंदर 426 कोरोना के पेशेंट्स आए थे, जिसमें से 6 की डेथ हो गई और 261 ठीक हो गए हैं। 80 पेशेंट्स जो को हमने होम आइसोलेशन में रखा हुआ है, बाकी अस्पताल में एडमिटेड हैं। स्टार्टिंग में जब कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, लोगों ने इसे काफ़ी सीरियसली लिया था, जिसके कारण से इसके ऊपर कामयाबी मिली। हमने इसके अंदर बड़ी ही सख्ती के साथ इसके रुकाव के अंदर कार्य किया, बाहर से व्यक्तियों को नहीं आने दिया। इसलिए आरंभिक अवस्था में या शुरू की स्टेज के अंदर सिरसा के अंदर कोरोना के केसेस काफ़ी कम रहे, लेकिन जब अनलॉक स्टार्ट हुआ और जब लोगों का आवागमन शुरू हुआ, उस आवागमन के अंदर जब बाहर से व्यक्ति आए तो वो अपने साथ कोरोना का वायरस भी लेकर आए, जिसके कारण काफ़ी संख्या में सिरसा के अंदर कोरोना के केस बढ़ गए हैं। अभी देखने में आया है कि जब हम एडवाइजरी जारी करते हैं, नागरिक आरंभ में उसे सख्ती से उसका पालन करते थे और उसका ज़िले को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन अब जो है, क्योंकि ज़्यादातर रिकवरी केसेस की हो रही है, इसलिए देखने में आया है कि नागरिक इसको उतनी सख्ती के साथ इसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसी के कारण से केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि लगभग सभी लोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा अधिक इसका इस पर सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। ये धारणा पूर्णतः गलत है। धीरे धीरे जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, उसके अंदर इसके अंदर मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। देखने में आया है कि 100 में से लगभग 90-95 केस जो है, या तो बहुत ही कम स्तर के होते हैं, बिल्कुल ही माइल्ड होते हैं। इसमें से 80 लोगों को तो अस्पताल आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, वो घर पर ही ठीक हो जाते हैं। बाकी 15 लोग जो है अस्पताल में आते हैं, अस्पताल की देखभाल के कारण वो ठीक हो जाते हैं। तो जो 2-3% लोग जो सीरियसली बीमार होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वो इस बीमारी की गिरफ्त में आकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये संक्रमण बढ़ता है, बहुत अधिक तादाद में लोगों को ग्रसित कर लेता है, जब मृत्यु दर बढ़ जाता है, अगर इसमें सावधानी बरती जाए, इसमें मास्क का प्रयोग किया जाए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर दूरी 6 फीट की रखी जाए, तो लाजमी तौर पर इस बीमारी से बचा जा सकता है। मैं सिरसा के नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो मास्क का प्रयोग करें, बिना आवश्यकता के भीड़ में ना जाएं, बाज़ार में आवश्यकता अनुसार ही जाएं, और इसके अलावा बगैर मास्क के, बगैर दूरी के, किसी भी तरह से बाहर विचरण ना करें। और ख़ासकर जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है, वो या तो अस्पताल में या अपने घर के अंदर ही बने रहें, और घर के अंदर भी वो पूरे घर के अंदर घूमकर परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमित ना करें। देखने में आया है कि कुछ लोग जिनको हमने होम आइसोलेशन में रखा था, उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को भी संक्रमित कर दिया है। तो जो लोग होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं, तो कृपा करके ठीक होने तक वो एक ही कमरे में बने रहें और बाहर ना घूमें, दूसरे लोगों को संक्रमित ना करें, और ये संक्रमण का आंकड़ा जो है सिरसा में ना बढ़ाएं, नियमों का पालन करें। मुझे उम्मीद है कि सिरसा के नागरिक जो बड़े अच्छे हैं, हमेशा से ही प्रशासन का जिन्होंने साथ दिया है, अब इस घड़ी में भी, जिसको मैं समझता हूँ कि कोरोना के दौर में ये पहले से ज़्यादा विकट समय है, पहले से अधिक समस्या है, पहले से अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। तो सिरसा के नागरिक जो है मास्क लगाएंगे और मास्क लगाकर ही बाहर निकलेंगे और सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे।